सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं इस बार मध्य प्रदेश के करीब 3 से 4 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से चुनाव लड़ सकते हैं, 3 से 4 ऐसे सांसद होंगे जिनका टिकट कट सकता है। यतेंद्र, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, और भी कई सांसद हैं जिनका टिकट कट सकता है, क्या नामों का खुलासा हुआ है और क्या कारण है? देखिए, बिल्कुल कल दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक हुई, अलग अलग राज्यों के साथ बैठक हुई। मध्य प्रदेश में जो 37 साल बंटी लग रहा है लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत थी, भोपाल से जो साध्वी प्रज्ञा उनका नाम कर सकता है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चुनाव लड़ सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुशी शर्मा भी अपनी प्राप्त की गली खतरा लोकसभा से कर सकते हैं। बाकी इस मीटिंग में 3-4 सांसदों का जो फीडबैक आया था वो पॉजिटिव आया था, तो माना जा रहा है कि उन 3 से 4 सांसदों का टिकट कर सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव 6 सांसद पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, तो वो सीट स्थानीय वापस से नए चेहरे देने, तो माना जा रहा है कि करीब 1 दर्जे भर नए चेहरे को मध्य प्रदेश में मौका देगी। और आज जो समिति की बैठक है उसमें ये अंतिम मोहर इन जो कल चर्चा हुई थी उस पर अंतिम मोहर लगती है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। यतेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।